देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार रात 1 बजे दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक सर्कल ऑफिसर और 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। 307 का मुकदमा विकास दुबे नाम के सीसीटर के खिलाफ, वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है सीसीटर। इसी सूचना पर CO बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और SO चौबेपुर और SO शिवराजपुर और SO बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं। तो थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी, जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके चारों तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे CO साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा SO शिवराजपुर। बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और CO को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमी प्रारंभ कर दी है, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं, और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी, जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं, और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात, जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस बिटूर थाना इलाके के एक गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसकी गैंग ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और विकास दुबे फरार हो गया। बदमाशों ने न सिर्फ पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करी, वो पुलिस के ही हथियार लूट कर फरार हो गए। गौरतलब है कि साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में आरोपी कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर पुलिस दबिश देने गई, जिस वक्त पुलिस पर हमला हो गया। बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करी। इस फायरिंग में शिवराजपुर SO महेश यादव, CO देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, वहीं 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस फायरिंग के बाद SSP, 3 SP और 1 दर्जन से अधिक थानों का फोर्स लेकर अब मौके पर